हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रीट की जो एग्जाम हुई है उसकी आफ्टर आंसर की कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर आफ्टर आंसर की आने के बाद में जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। एग्जैक्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो दोस्तों आफ्टर आंसर की ही पता चलता है। एंड इसी के बाद में हम आपके लिए एक कट ऑफ लेकर के आए हैं जिसमें दोस्तों छात्रों ने हमारे साथ में जो नंबर शेयर किए हैं उन्हीं के आधार पर ये कट ऑफ तैयार किए गए हैं। और इस कट ऑफ का आप एक संभावित कट ऑफ बोल सकते हैं जिसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में स्टूडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि 16 प्रश्नों पर छात्रों ने जो है आपत्ति लगाई है। वो 16 प्रश्न कौन कौन से हैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम उस वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा, जिस पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं एंड अपना सिलेक्शन वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों वही स्कोर हम आपको यहां पर बनाने वाले हैं कि किसके बीच में अगर छात्र स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में स्टूडियो में बात कर रहे हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्ती की अपडेट के बारे में। दोस्तों ये एक आपको जो है बहुत ही मतलब बेकार चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, नोट सब्सक्राइबर जो यूज़र हैं वो 97.5% है एंड सब्सक्राइबर जो यूज़र हैं वो 2.5% है। मतलब कि आप लोग वीडियोज़ को देख करके जाते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो ऐसे में मतलब दिल को बहुत ही बेकार लगता है। और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमको सिर्फ एक इतना सा तोहफा दे सकते हैं, आप हमें गिफ्ट दे सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशनल मतलब मोटिवेट हो और हम भी जो है आपके लिए ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सकें। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ऐसे मत करो कि 98% लगभग कैंडिडेट जो है चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, सिर्फ 2% कैंडिडेट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि यार कितने बेकार स्थिति हो रखी है इस चैनल की। तो यार थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, आपके लिए मेहनत आपका भाई करेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। यहाँ पर आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने नंबर आपके सेफ स्कोर रहेंगे, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगी एंड इसी के बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बोनस अंक मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बोनस अंक मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो किसको मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर कैंडिडेट ने आपत्ति दर्ज की है। मतलब कि उन कैंडिडेट ने बोला है कि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पर गलत है, इनके या तो ऑप्शंस गलत हैं या फिर जो है क्वेश्चन को पूछने का तरीका गलत है। सो ऐसे में दोस्तों 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की गई है, आपत्ति जो है लगाई गई है। तो यहाँ पर इन 16 क्वेश्चंस को अगर यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चंस या फिर मतलब मान लीजिए ये 16 के 16 क्वेश्चंस को यहाँ पर गलत पाया जाता है, 16 के 16 क्वेश्चंस गलत साबित हो जाते हैं, सो ऐसे में या तो इन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब कि किसी भी छात्र को यहाँ पर अंक नहीं दिया जाएगा, और या फिर अंक दिया जाएगा तो सभी छात्रों को दिया जाएगा। दोस्तों इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका जो रीट एग्जाम 2021 था इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण छात्र जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करके आए, और जब सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व किए हैं तो सभी कैंडिडेट को इसका जो है नंबर मिलने वाला है, अगर नंबर दिया जाता है तो, और अगर नहीं दिया जाए तो सभी छात्रों को यहां पर जो है नंबर कट होने वाले हैं। सो ये जो भी आपके यहां पर नंबर कट होंगे या नहीं होंगे ये आपका जो है यहां पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी ना तो कट ऑफ कम होगी ना ही कट ऑफ ज्यादा होगी। यहां पर सभी के लिए सेम रहेगा ये रूल कि इन क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर आपको नंबर दिए जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए जो है हेल्पफुल रह सकता है, आपके लिए जो है थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में कि आपका जो सेफ जोन रहेगा वो क्या रहेगा, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं SST के बारे में, सोशल स्टडीज के बारे में बात करते हैं। लेवल 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट 116 से 121 नंबर बना रहे हैं वो सभी कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। यहां पर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए।
ओबीसी वाले कैंडिडेट 114 से 119 नंबर के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 110 नंबर से 115 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। एसटी कैटेगरी के लिए 106 से 111 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 114 से 119 नंबर के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट के लिए। एंड अभी हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 109 से 114 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये एक प्रॉफिटेबल रहने वाली है ये वैकेंसीज, क्योंकि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा लोचा होने वाला है और इसी के आधार पर दोस्तों आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत ही कम जाने वाली है। अभी बात करते हैं दोस्तों हिंदी कैटेगरी के लिए, तो हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ के बारे में अगर बात कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से जो भी छात्र 115 से 120 नंबर के बीच में स्कोर कर रहा है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओबीसी कैटेगरी से बात कर ले तो 114 से 119 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। जी हाँ दोस्तों 114 नंबर से 119 नंबर अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। वहीं दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें तो 108 से 113 नंबर के बीच में जो भी कैंडिडेट यहां पर नंबर बना रहे हैं वो यहां पर 101% सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों 101% सिलेक्शन लेने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की 105 से 110 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी, यही आपका जो है फाइनल सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो कट ऑफ है वो हमने आप ही के नंबर के आधार पर जो है तय की है और आप ही के नंबर के आधार पर हम एक संभावित कट ऑफ लेकर के आए। सो ऐसे में दोस्तों जो भी स्कोर मैं आपको बता रहा हूं ये 101% रियल रहने वाला है। एमबीसी के लिए 113 से 118 के बीच में आपका सेफ जोन रहेगा, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 109 से 115 नंबर के बीच में जो भी छात्र अपना नंबर बना रहे हैं वो यहां पर अपने आप को सेफ समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होने वाली है। वहीं दोस्तों इंग्लिश कैटेगरी से अगर बात कर लें, जो भी छात्र इंग्लिश से जो है अपना एग्जाम दिए हैं उनके बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी से 114 से 119 नंबर के बीच में आपका स्कोर यहां पर रहने वाला है। जनरल कैटेगरी वाले छात्र जो भी 119 से 114 नंबर बना रहे हैं वो यहाँ पर अपने आप को सेफ समझिए। ओबीसी के लिए 112 से 118 नंबर आपका स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी के लिए 110 से 115 नंबर के बीच में आपका जो है सेफ स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। जो भी छात्र इसके बीच में स्कोर बना रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 105 से 110 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों 105 नंबर से 110 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है। एमबीसी कैटेगरी से बात करें तो 111 से 116 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो स्कोर आपको बताया जा रहा है अगर उस स्कोर के बीच में आप अपना जो है नंबर बना रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 106 से 111 नंबर के बीच में आपका यहां पर जो है कट ऑफ रहने वाला है। 106 से 111 नंबर के बीच में जो भी छात्र यहां पर नंबर बना रहे हैं वो अपने आपको एकदम से सेफ समझिए। अभी बात करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। दोस्तों साइंस और मैथमेटिक्स के लिए आप सभी को पता है कि एक ही कट ऑफ बनाई जाती है और एक ही कट ऑफ से इनका सिलेक्शन लिया जाता है। सो साइंस और मैथमेटिक्स में जनरल कैटेगरी से जो भी छात्र 115 से 121 नंबर बना रहे वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 114 से 119 नंबर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी कैटेगरी से 108 से 114 नंबर के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए तो 105 से 110 नंबर के बीच में जितने भी स्टूडेंट जो है स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को एकदम से सेफ समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एमबीसी कैटेगरी के लिए 113 से 118 नंबर, मतलब कि दोस्तों अगर आप 113 से 118 नंबर बना रहे हैं तो आप 101% यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले तो 108 से 112 नंबर के बीच में आपका स्कोर रहेगा। जो भी छात्र यहाँ पर 108 से 112 नंबर के बीच में नंबर लेकर के आ रहा है वो यहाँ पर अपना 101% सिलेक्शन पक्का समझिए। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लेवल फर्स्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए बात कर लें तो जनरल कैटेगरी से 117 से 123 नंबर के बीच में लेवल फर्स्ट वालों की कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए आपकी जो है कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस होता है वो भी थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब स्लो का कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लॉ टाइप का जो है सिलेबस होता है, तो ऐसे में जो है छात्रों के नंबर थोड़े ज्यादा आते हैं। तो यहां पर ओबीसी की बात कर ले तो 116 से 122 नंबर के बीच में जो भी छात्र स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को 101% सिलेक्शन जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। एससी कैटेगरी के 114 से 118 नंबर के बीच में सभी छात्र अपने आप को सेफ समझिए, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी में 108 से 114 नंबर के बीच में जो भी छात्र स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए, यहाँ पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। और एमबीसी वाले अगर 115 से 120 के बीच में स्कोर करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोर आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप 101% अपने आप को सेफ समझिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 108 से 114 नंबर के बीच में दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आपको ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज प्रॉफिटेबल रहने वाली है। सो ऐसे में दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो एसटी कैटेगरी के कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो
एसटी कैटेगरी के लेवल में कट ऑफ जाएगी 101%, ये श्योर है। तो आप बिल्कुल एकदम से निष्फिक्र रहिए, जितने भी छात्र इस नंबर के बीच में अपना स्कोर कर रहे हैं वो 101% यहां पर सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों हम यहां पर फीमेल्स कैटेगरी के लिए, जो भी रीट में एग्जाम में जिन्हें फीमेल्स कैटेगरी ने एग्जाम दिया है उन सभी के लिए बात करता हूं। साथ ही मैं दोस्तों बात करता हूं यहां पर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, साथ ही मैं बात करता हूं हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों यहां पर जो भी विडो कैटेगरी से महिलाएं आती हैं या फिर जो फीमेल्स कैटेगरी है, विडो कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए थोड़ी सी कट ऑफ मैं जो भी बताऊंगा उस कट ऑफ से और भी ज्यादा जो है आप कम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बात कर लूं तो यहां पर आपकी जो कट ऑफ मैंने यहां पर बताई दोस्तों, पीछे जो मैंने कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ का आप 8 से 10% जो है कम कर सकते हैं। 8 से 10% के बीच में आपका जो है कट ऑफ कम जाता है। जी हां दोस्तों, अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं 120 नंबर, तो 120 नंबर में से आप 10% कम करेंगे तो 12 नंबर आप यहां से कम कर सकते हैं, मतलब कि 108 नंबर के बीच में आपका जो है यहां पर कट ऑफ रहने वाला है फीमेल्स के लिए। अगर मैं बता रहा हूं दोस्तों 110 नंबर, तो आप यहां पर 8% कम करेंगे या फिर 10% कम करेंगे तो 102 या फिर 100 के बीच में आपका यहां पर कट ऑफ रहने वाला है फीमेल्स के लिए। वहीं दोस्तों विडो कैटेगरी के लिए इससे थोड़ा सा और कम कर सकते हैं और यही स्कोर आपका यहां पर रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट यहां पर रीट का एग्जाम दिए उनके लिए 101% यही स्कोर रहेगा। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे दोस्तों हमको भी मदद मिलती है, साथ ही में दोस्तों आप लोगों की हेल्प करने में भी हमको मजा आता है, क्योंकि आप हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम एक बेहतरीन कट ऑफ आपके लिए बना सकें। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।